गन्ने के खेत में 10 वर्षीय बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बालक कल से लापता बताया जा रहा था। मामा ने चांदपुर थाने में बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। दरअसल पूरा मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर क्षेत्र का है, जहां पर चांदपुर के ग्राम जफरपुट कोट के जंगल में एक लापता बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। रोकड़ तक खबर की ओर, मध्य प्रदेश में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बेटे ने अपनी मां को मारने के बाद पुलिस को भी सूचना दी। दरअसल पूरा मामला टीकमगढ़ के भगत नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर एक 16 वर्षीय बेटे ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से अपनी मां को गोली मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी बेटे ने 100 डायल को सूचना कर कहा कि मैंने अपनी मां को गोली मारकर खत्म कर दिया है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही वह इस घटनास्थल पर पहुंची और एडिशनल SP सीताराम ससत्या ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार करके जल्द जेल भेज दिया गया है। वास्तविकता क्या है हमें कोई पता नहीं, हमने यहाँ पे नहीं, जैसे माँ का और आपके पुत्र का हर्ष का कोई विवाद विवाद होगा था क्या कभी कभी जीवन में? कुछ नहीं हुआ। पत्नी पहली थी आपकी? हाँ, तो शादी हुई थी हमारी। अच्छा, शादी हुई थी, कहाँ हुई थी? कीर्तिपुर। अच्छा, तो कोई विवाद था क्या? नहीं, कुछ विवाद नहीं था। तो जी उसमें उसके बेटे ने उसको गोली मार दी है, जो उसके बाप के नाम की लाइसेंसी बंदूक है। लड़के का नाम हर्षरजक है, जो करीबन 16 साल की उम्र का है। उसका कहना है कि उसकी माँ जो है उसे प्यार नहीं करती थी, परेशान करती थी, इसलिए उसने गोली मारना बताया।